अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हबीबुर रहमान अरकम एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आज जो इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कैपिटल रेजिडेंशिया। कैपिटल रेजिडेंशिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके मुकाबले में मुझे 2.5 साल हो गए हैं बहरिया का काम करते हुए, लेकिन मैं आज तक इसके व्यूज़ के हवाले से इस तरह के व्यूज़ जिस प्रोजेक्ट पे हूँ कोई आज तक प्रोजेक्ट नहीं देखा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें गोल्फ व्यू भी है, उसके साथ साथ जिना का व्यू भी है और 11B का व्यू भी है। और क्योंकि इसका ये ऐसी लोकेशन पे है कि इसकी इतनी हाइट है कि 11A के जो कोने वाले प्लाट हैं, जो एंड वाले प्लाट हैं, जो कमर्शियल के प्लाट जो बैरियन दिए हैं, उनमें एक ऐसा ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है कि इसके जो बाद अगर बैरियर की देखें तो प्रीसेंट 11B आता है और गोल्फ आता है जो इससे तकरीबन 150 फुट डेप्थ में है, ठीक है। और उनका जो व्यू है वो बड़ा ही कमाल का मरी व्यू पेश करता है। और फ्रंट पे जो इसका नाम मेरे सीनियर भाई जो हैं दोस्त हैं जाहिद नवाज गोंदल साहब, उन्होंने उनका नाम पैराडाइज वैली रखा है जिस जो इसके फ्रंट पे आता है अली ब्लॉक के जो 250 गज के प्लाट है। तो इस तरह के व्यूज़ वाला प्रोजेक्ट कोई भी आज तक नहीं है। जैसे पैरागॉन ने भी एक बड़ा गोल्फ व्यू करके लॉन्च किया है, लेकिन वो एक डेप्थ में है। इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा हाइटेड लोकेशन पे है और इंशाल्लाह ये एक मुनासिब प्राइस पे है और 2 साल में हैंड ओवर होना है। और ये मेरे एक ऐसे दोस्त बना रहे हैं कि जिन्होंने एक पहला प्रोजेक्ट लॉन्च भी रेडी भी कर दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो इसमें एरियाज दिए गए हैं, मैंने कंपैरिजन किया था प्रीसेंट 19 से और जो इसके प्रीसेंट 19 के 2 बेड अपार्टमेंट हैं और इसके 2 बेड अपार्टमेंट से, इसके जो 2 बेड अपार्टमेंट 815 स्क्वेयर फीट का है और बैरिया का प्रीसेंट 19 का हर बंदे को पता है कि 950 स्क्वेयर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट है। तो जो 950 स्क्वेयर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट है उसके रूम के साइजेस, उसकी जो बालकनी है, उसके जो किचन है, स्टोर है और उनकी चीज़ें देखें तो इसमें से काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है कि 815 में ये चीज़ें बढ़ी हैं। और इसका कंपैरिजन 4-5 और प्रोजेक्ट से किया है, जैसे बड़े प्रोजेक्ट जैसे पैरागॉन का एक गोल्फ व्यू प्रोजेक्ट है, उनके साइजेस से मैं कंपैरिजन किया तो जो 815 स्क्वेयर फीट और 1450 स्क्वेयर फीट उसका जो बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि वो जो है 815 और 1450 तकरीबन सेम लगते हैं। तो ये इतना कम इसमें ग्रॉस एरिया ऐड किया हुआ है और ये एक वो प्रोजेक्ट है कि जिसमें कोई ऐसी नई ग्रॉस के हवाले से डिमेंशन नहीं ऐड की कि जिसमें फिर जो लोगों ने बाय करना है कस्टमर के लिए वो बहुत ज़्यादा बोझ ना बने। अब पता है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा होता है कि 22% ग्रॉस होता है और कुछ लोगों ने अब 35 तक भी ले गए हैं। तो इस हवाले से इसमें कोई ग्रॉस की जो रेशो है वो 10-11% आती है जो ग्राउंड में आती है। आपको पता है कि ग्राउंड की ग्रॉस 10-11% होती है लेकिन शो नहीं होती कि नज़र कम आती है कि ग्रॉस इसमें नहीं है। जनाब ये डिमेंशन है, इसको मल्टीप्लाई करें और 10% ऐड करने से वो शॉप का एरिया निकल आता है। तो इस वजह से इसका पूरे फ्लोर में भी ऐसा ही है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं इस पे आप कॉल कर सकते हैं तो आपकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी।